गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा रान शोल्डर फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स सी फूड स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है विद प्लेजेंट एम्बियंस वाइड रूम स्पेस विद टू दस्तरखान सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18 इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+ पार्किंग अवेलेबल द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स आज ही आए हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलबा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने आज एमएमबली स्थित टीएमसी हॉस्पिटल और लाइब्रेरी जो बनाई जा रही है उसका दौरा किया है। बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी का काम अभी कुछ बाकी है, जल्द ही इसका काम पूरा किया जाएगा। वहीं मुमरा शहर की विरोधी पार्टियों का कहना है कि जहाँ लाइब्रेरी बनाया जा रहा है वो लाइब्रेरी की जगह नहीं है। अगर विरोधी पार्टियों की माने तो टीएमसी स्कूल की जगह पर लाइब्रेरी बनाया जा रहा है। लाइब्रेरी और कल्चर सेंटर ये दूसरे जगह पर बनाया जाना था जिसकी ज़मीन भी आरक्षित है, उस ज़मीन का क्या हुआ? वही टीएमसी हॉस्पिटल का दौरा किया गया, इसके बाद लाइब्रेरी का दौरा किया गया, फिर जितेंद्र अवार्ड ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। लाइब्रेरी का भी आपने दौरा किया, क्या कहेंगे लाइब्रेरी के तालुक से? लाइब्रेरी मैंने ढूंढ के निकाली। कहाँ पर थी वो लाइब्रेरी? वो घूम गई थी। अच्छा। तो घूमी हुई लाइब्रेरी को मैंने ढूंढ के निकाला तो मुझे मिली, और ऐसे जगह पे मिली जो मुमरा के सबसे अच्छा एरिया है, एमएम वैली के नज़दीक। कुछ लोग बता रहे थे कि उसके पीछे बनने वाली है, ऐसा कुछ बताया थे? अब मैं क्या बोलूँ, बनी हुई लाइब्रेरी, खड़ी हुई लाइब्रेरी तो आप देखे ना अभी। कब से शुरू होगी, क्या क्या सहूलत होगी? वो ई लाइब्रेरी बनने वाली है, सब किताब वहाँ पे आएगी, बेहतरीन लाइब्रेरी बनेगी। बेहतरीन हॉस्पिटल बना के नहीं बना है, लोगों को जितना चिल्लाना है चिल्लाने दो, लोगों को नहीं, लोग मेरे साथ है। आपके मैनिफेस्टो में जो जो था वो तकरीबन काम कंप्लीट हो रहा है। आप बोलते हो तो मैं क्या बोलूँ? आप क्या बोलते? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। देखो, कोई भी शहर में एक साथ सब सुधार नहीं आते, गलियां टूटती है बनती है, गटर टूटते हैं बनते हैं, बारिश गिरता है कचरा आता है कचरा फंसता है, ये सब रूटीन में होता ही रहता है। कोई दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि सब सुधर गया है। ये साल न्यूयॉर्क में 6 फीट पानी था, 6 फीट। खाने कावा की जो कब्रिस्तान है वहां पे पानी भरता है, और हमारे कब्रिस्तान में पानी भर गया तो चिल्लाते लोग, अरे कब्रिस्तान में पानी भर गया, अरे बारिश गिरेगी तो पानी जमा होगा। अब इसको लेकर भी लोग आवाज उठाएंगे कि काम अभी कंप्लीट हो रहा है, इलेक्शन आने वाला, इसीलिए सारी चीजें दी जा रही है। अब लोगों को जो बोलना है बोलने दो, इलेक्शन अभी नहीं, 1 साल के बाद है, और 1 दिन में कुछ चीज बनती नहीं, बनते 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 टाइम लगता है। महानगर पालिका का अस्पताल है, ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, क्या आने वाले 1-1.5 महीने में पूरा हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, और ये थाना में का सबसे अच्छा हॉस्पिटल रहेगा। इसमें जो फैसिलिटीज रहेगी वो पूरे थाना में किसी हॉस्पिटल में एक जगह पे नहीं रहेगी, और पूरा जो तंत्र टेक्नोलॉजी है वो सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे का, अभी हॉस्पिटल का शुरू हो गया, डिलीवरी इनकी बेटी की हुई है, हमारी बहू की डिलीवरी हुई माशाल्लाह, बेटी के अन्याय हुआ है, सुन बाबा मैं पिताजी हूं, लड़की का कोई मसला चल रहा है दूसरा वाला, अरे वो दूसरा मसला चल रहा है बाबू, मसला क्या तुम्हारे घर का मसला मत लेके। हाँ नहीं नहीं हॉस्पिटल अच्छा है, मेरी बहू की डिलीवरी हुई बहुत नॉर्मल हुई है, ऐसा बेड तो मैंने कभी देखा नहीं, बेड वाले बेड बड़े बेड में भी नहीं रहता ऐसा, और सुविधा सब तरह की है। बहुत अच्छी डिलीवरी है जी, वो बात नहीं है, बात ये है कि अच्छी फैसिलिटी मुमरा में आ रही है। हाँ बस, ऐसा कोई हॉस्पिटल 100% मरीज को इलाज नहीं करवा सकता। आप टाटा में जाओ, आप जुपिटर में जाओ, आप जेजे में जाओ, आप केएम में जाओ, मॉर्टेलिटी रेट तो रहेगा ही,
पर साफ सुथरापन, हॉस्पिटल को जो एक बांस आती है उसमें, वो बांस वो सब खत्म हो गया। अभी नई मैनेजमेंट एक डेढ़ महीने में टेक ओवर कर लेगी तो और सुधार आ जाएगा। प्राइवेट सर, नई मैनेजमेंट, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है हॉस्पिटल का, कैशलेस हॉस्पिटल हो सकता है। तुमको विदाउट पैसा आना है और विदाउट पैसा जाना है। तुम्हारे से एक ये डिलीवरी है हुई ना, अभी पैसा लिया। आप पत्रकारों को गलत सहमियाँ कैसी फैलेगी और जरा माहौल कैसा गड़बड़ा जाएगा, फिर दूसरे के पास जाके देखो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपको क्या कहना है बताओ बताओ। यहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटल आ रहा है, एक आदमी को एक रुपया भी नहीं लगेगा। सर शिकायत रहती थी कि सिविल हॉस्पिटल भेजा जाता थाना के, सिविल या कलवा शिकायतें दूर होंगी, इसीलिए तो हॉस्पिटल यहाँ पे लाया गया ना, इसीलिए तो हॉस्पिटल यहाँ लाया गया कि वो शिकायतें दूर करने के लिए तो हॉस्पिटल लाया है। और सर गलियों में ये भी एक चर्चा है कि आप ही का एक वीडियो जो वायरल करके बताया जाता है कि आप प्राइवेट टेक ओवर कर लेगा हॉस्पिटल को। देखो मुझे सेवा देनी है पब्लिक को, वो पब्लिक को सेवा देने में उनके खिसे का पैसा नहीं जाना चाहिए, इतना ही मुझे देखना है। तो फिर फुल फ्लैश में कब तक होगा सर, फुल फ्लैश में कब तक चालू होगा? दो महीने में चालू हो चुके, दो महीने और भी मशीनों की यहाँ पे जरूरत है। जितनी मशीनें लगेंगी उतनी मशीनें आ जाएंगी, कोई भी मशीन कम नहीं रहेगी यहाँ पे। सर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी को किस ये मैं बोलता हूँ अगर ये हॉस्पिटल फुल फ्लैच चलेगा तो लोग पागल हो जाएंगे, इतना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेंगे। सर एक सवाल आता है कि 55 करोड़ का हॉस्पिटल 155 पे चला गया, वो जाके म्यूनसिपालिटी में पूछो, मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ और मैं म्यूनसिपालिटी का अधिकारी भी नहीं हूँ।